अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं गाइस आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आ गए हूँ मैं आज एक और नए व्लॉग के साथ। और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 8:30 और मौसम चेक करें, बिल्कुल भी धूप नहीं, सूरज भी गायब हुआ पड़ा है बादलों की वजह से। ये देख सकते हैं आप पीछे मेरे मौसम किस तरह का है कुछ, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। मैं तो उठा हुआ हूँ सुबह के तकरीबन 6 बजे से, नमाज वगैरह पढ़ी, फिर मोबाइल यूज़ कर रहा था, फिर चाय शाय पी, फिर जब बाहर निकला अभी मैं, तो मैंने देखा तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, तो मैंने सोचा व्लॉग ही शुरू कर देता हूँ, इसलिए अभी आ गए व्लॉग। मैंने अभी इस वक्त छत पर रखा हूँ, तो मैं एक बार आपको सही तरह से दिखा देता हूँ कि कुछ किस तरह के नज़ारे हैं। वैसे एक और बात, मैंने मुंह वगैरह धोया नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं बाहर निकला तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने सोचा पहले व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मुंह तो धोते रहेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा ना कि सूरज निकल जाए तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा व्लॉग का, इसलिए फेस वगैरह अभी तक धोया नहीं है, ठीक है ना, इग्नोर कर दें इसको। हालत मेरे देख सकते हो कि इतनी कुछ खास नहीं, क्योंकि मुँह अगर नहीं धोया बाहर निकला हूँ, तो देखा मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, सोचा व्लॉग ही बना लूँ, इसलिए कुछ हालत का मज़ा नहीं है। तो इसको इग्नोर मारें और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ओए काके, तुसी मौसम चेक करो। यार लाइक करो ना, तुसी क्यों नहीं करते? मौसम चेक करो, सर लगाओ सब्सक्राइब का बटन, 1 मिनट का तो काम है। कौन सा आपके पैसे लग रहे हैं यार, लगाओ सब्सक्राइब का बटन। बाकी देख सकते हो आप लोग मौसम, अब जब सब्सक्राइब कर ही दे तो लाइक शेयर भी कर दो, उसमें क्या है क्या होता है। टाइम हो रहा है 8:50, घड़ी छड़ी हैं देख रहे हो ना। वैसे तो इस वक्त पेपर पर जाता हूँ, पेपर चल रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन आज नहीं गया क्योंकि एक दिन पेपर एक दिन लीव, एक दिन पेपर एक दिन लीव, ऐसे सिस्टम है, इसलिए आज पेपर पर नहीं गया हूँ। तो अभी नीचे जाता हूँ, देख रहा हूँ कुछ और चीज़। हाँ तो मेज़बान कदरदान बंदा मुंह धो के करीम शरीम लगा के आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी सूरज भी निकल आया है, तो इसलिए मैंने सुबह मुंह नहीं धोता, व्लॉग ही शुरू कर दिया। मुझे पता है सूरज किसी भी टाइम निकल सकता है, और अभी सूरज वही हुआ कि सूरज निकल गया है, तो धूप भी लग रही है मुँह को। तो अभी इस वक्त टाइम 9:45 हो रहे हैं, लाइट आने वाली है, फिर मुझे अपनी शॉप खोलनी है फोटो स्टेट की, वो भी मैं आप लोगों का अभी चल कर दिखाऊंगा, जो सामान उस दिन व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था अपनी शॉप का, तो वो शॉप मैं अभी चल कर खोलूँगा। 10 होने वाले हैं, फिर लाइट आएगी, फिर चलते हैं दुकान पर। वैसे तो जिस दिन मेरा पेपर नहीं होता मैं उस दिन 10 बजे तक सोता हूँ, लेकिन आज नहीं सोया हूँ, इसलिए क्योंकि आज बस दिन नहीं करा था सोने का, तो इसलिए आज मैं नहीं सोया हूँ और अभी तक जाग रहा हूँ। जब मैंने अपने पहले वाले रिकॉर्ड की वीडियोस देखी हैं, छोटे छोटे पार्ट करके रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो देखी तो मेरी आंखें भी उस वीडियो में नहीं खुल रही, वो इसलिए क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। तो अभी फिर से छाँव हो गई है, कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है। और अभी मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, और आज 10th क्लास के पेपर हैं, आज मेरा पेपर नहीं है लीव है, इसलिए आज 10th वाले पेपर दे रहे होंगे। और आप भी सोच रहे हैं कि बार बार इधर उधर क्यों देख रहे हैं, बस ऐसे ही आपके साथ बातें भी कर रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लोगों का पता तो है, लोगों का काम ही क्या है, सिर्फ बोलना और दूसरों पर हंसना। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो अभी हम नमाज़ पढ़ के आ गए थे, फिर थोड़ी देर रुके थे मैं और मेरी टीम। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है करीबन 3:05 अभी हो रहे हैं, तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम जा रहे हैं थोड़ा
शहर से बाहर की साइड देखते हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो अभी आप भी हमारे साथ चलिए, देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं। अभी तक सोचा नहीं, सिर्फ आगे चलते ही जाएंगे, देखें फिर कहाँ जाते हैं। तो बताओ अभी कहाँ चलना है? यहाँ चले, मस्जिद चले अल करीम। ठीक है तो चलते हैं। तो प्लान बना लिया है अल करीम मस्जिद जाने का। तो अल करीम मस्जिद जाने का प्लान बना लिया है, वो इस शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है अल करीम। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, चलते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं। बच्चों हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पर है? इस साइड है, आओ आओ चलते हैं, आओ। फौज मेरे साथ आ रही है पीछे से, लोग डर जाएंगे, बोलेंगे ये इतनी सारी फौज लेकर कहाँ घूम रहा है। अभी गुर्बत का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, देखें सिर्फ कच्चे मकान आते हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पर पक्के मकान भी हैं, लेकिन कच्चे कुछ ज्यादा हैं पक्कों से। कच्चे पक्के समझ रहे हैं, कच्चे मतलब कि मिट्टी के बने हुए, पक्के मतलब कि अमीर लोगों के मकान। सामने वर्कर्स अपना गुजारा करने के लिए काम कर रहे हैं नालियों का। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, देखोगे तो क्या बोले दिखाऊं? तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को एक चीज़। ये चेक करें, अर्तुगरुल का घोड़ा बैठा हुआ है और यहाँ पर ये तोई जिस पर सवारी करने के लिए जा रहा है। ये सवारी करने के लिए जा रहा है। ये तो इसका मिशन फेल हो गया, वो सवारी करने के लिए जा रहा था मगर ये तो लंगड़ा निकला। अर्तुगरुल का घोड़ा जंग के मैदान में जख्मी हो गया, जिसकी वजह से अर्तुगरुल को मजबूरन इस घोड़े को छोड़ना पड़ा। अब वो देख रहा है, रुको क्या बोल रहे हैं अभी बोलो। अर्तुगरुल जंग करने नहीं गया, मतलब वापस आके घर जा रहा है। ये अर्तुगरुल अभी जंग करने जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि मेरा घोड़ा जख्मी है और ये घोड़ा भी बेचारा अर्तुगरुल को ये देखें आस भरी निगाहों से देख रहा है। वो देखें आप लोग, तो आगे चलते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, मस्जिद भी आने वाली है। तो अभी मस्जिद आ चुके हैं, देख सकते हैं दुआ भी ऊपर लिखी हुई है, अल करीम मस्जिद। और ये अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब बि रहमतिक, ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है। ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, दुआ का तर्जमा ये है कुछ मस्जिद। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इसका बाथरूम है, और इधर ये आते हैं ना बड़े बड़े आलिम, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसा कि वो लगा हुआ है उसका पोस्टर प्रोग्राम का, ये अभी हुआ था 13 फरवरी को, हम भी आए थे शिरकत की थी इस प्रोग्राम में। हम ये सारी जो टीम रुकी हुई ना, सारी टीम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी। तो अभी ये जो बड़े बड़े आलिम आते हैं वो रात को करें गुजारते हैं, उनका दूर दूर से आते हैं ना बड़े बड़े शहरों से, तो वह यहाँ पर सोते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को अंदर से भी कुछ इस तरह की है। सबसे बड़ी मस्जिद शहर में यही है, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, कुछ इस तरह की है ये मस्जिद अल करीम मस्जिद। ये है कुछ इस तरह से, आप लोग देखें यहाँ पर वज़ू करने का नलके वगैरह लगे हुए हैं, वज़ू करने के लिए टैंकी लगाई हुई है यहाँ पर पानी, और कोई भी यहाँ पर पानी डलवा सकता है। और माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, आप चेक करें कितनी प्यारी मस्जिद है। अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर ताला लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर हालात कुछ ख़राब है, इसलिए बस अल्लाह माफ़ करे। लोगों को इतना भी हया शर्म नहीं है कि मस्जिदों की भी चोरी करने पर उतर जाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे भाई ऐसी बुराइयों को, बुराइयों से हमें भी बचाए और आप लोगों को भी बचाए और सब लोगों को बचाए। ये बहुत
तो इसलिए मैं आप लोगों को अंदर से नहीं दिखा सकता। वैसे अंदर से बहुत प्यारी मस्जिद है, बस अल्लाह बचाए ऐसी बुराइयों से। बाकी हाल तो पूरा है यहाँ क्या, पूरे पाकिस्तान में हालात ख़राब है, आप लोगों को तो पता होगा। तो यही थी, मैं माजरत करता हूँ आप लोगों को अंदर से नहीं दिखा पाया मस्जिद, ये क्योंकि बंद है। और बाकी बाहर जाने के लिए भी यहाँ पर दुआ लिखी हुई है, अल्लाह मानिया सालू का मैन फजली का, अरे अल्लाह मैं तुझे तेरा फजल मांगता, मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। और भाई दुआ पढ़ो फिर बाहर निकलो, इससे बाहर नहीं निकलो सारे जो बड़े बड़े हैं। बच्चों को तो पता नहीं, आप बड़े तो पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के सुनाओ, दिल में पढ़ो भी ठीक है। तो अभी लौटने की तैयारी, सारे मेरे साथ वापस चल रहे हैं बस। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा आज का लोग पसंद आया होगा। ठीक है तो खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखें।